बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। बहुत दिनों से इस क्रीम के बारे में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इस क्रीम के बारे में हमें बताएं, क्या ये क्रीम रंग को गोरा करती है, स्किन को साफ करती है, क्या है ये क्रीम, आप इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएं। तो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, तो आज फाइनली मैंने इस क्रीम को मंगवाया और मैं इस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने यूज़ करवाई 15 से 20 दिन, तो मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिला, आज की वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट इसके बारे में बताना है, ठीक है? तो फिर आपने इसे यूज़ करना है, जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपने करना है, ठीक है? ये 1300 रुपए की ये क्रीम है, ठीक है? ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है? और ये इस तरह की पैकिंग है, पैकिंग तो खैर इसकी बहुत प्यारी है, खूबसूरत लग रही है। आपको मैं अंदर से खोल के भी दिखा दूँ, ये देखें ज़रा, यानी कि ये 30 ग्राम की ये ट्यूब है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अच्छी पैकिंग है, सारा कुछ अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अब बात रह गई है कि ये क्रीम क्या वर्क करती है, जैसे कि लोग इसे ये समझ के ख़रीदते हैं कि ये रंग को गोरा करती है और यही सोच के लोग ख़रीद लेते हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि ये आपको ख़रीदनी है या नहीं। सबसे पहली बात कि 1300 रुपया और 30 ग्राम सिर्फ इसमें ट्यूब है, ये बहुत कम है, क्योंकि ये जो इतनी क्रीम होती है ना, ये आपकी 15 से 20 दिन सिर्फ चलती है, ज़्यादा नहीं चलती, जितनी भी आप एहतियात से यूज़ करो। मुझे इन क्रीम्स के बारे में पता है कि 30 ग्राम की बहुत कम होती है, यानी कि सिर्फ फेस पे ही आपके चल सकती है। ये देखिए इस तरह की क्रीम है, मैं आपको लगा के भी दिखा दूँ, यानी कि इसकी बिल्कुल जैसे फेयर एंड लवली क्रीम नहीं, बिल्कुल लगाने में ही ऐसी है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है कि आपको कि हमें अच्छी नहीं लगी, ठीक है? अब मैं आपको इस क्रीम के बारे में बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि ये रंग को गोरा चिट्टा करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्किन को थोड़ा ब्राइट कर देती है, चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स वगैरह होते हैं उन पे काम करती है, ठीक है? स्किन को बहुत ज़बरदस्त बना देती है, बहुत अच्छा सा स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है। ये नाइट क्रीम है, आप डे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के इस क्रीम को ख़रीदेंगे ना कि हम इसे लगाएंगे और बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल, 15-20 दिन मैंने इसे यूज़ करवाया तो मुझे इसका सिर्फ रिज़ल्ट थोड़ा सा मिला। इसका मतलब ये है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को कम करेगी, थोड़ा लाइट कर देगी, आपकी स्किन पे ग्लो ले आएगी, लेकिन अगर आप ये सोच के ख़रीदते हो ना कि ये रंग को बहुत गोरा कर देगी, तो ये सोच के आपने क्रीम को यूज़ नहीं करना। हाँ, 15-20 दिन में तो थोड़ा सा रिज़ल्ट मिला। हाँ, अगर ये क्रीम्स जो होती है जो इतना स्लो असर करती है, ये 5 और 6 माह के बाद जाके अगर आप सोचो ना कि थोड़ा रंग गोरा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, 5 से 6 माह लगाने के बाद, लेकिन आप देखेंगे 5 से 6 माह में आपको कितने सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस इसकी 1200-1300 प्राइस बहुत ज़्यादा, अगर 200-300 होती तो ठीक है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है और रिज़ल्ट बहुत स्लो है। ये मैं अब आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आपने रंग गोरा करने के लिए यूज़ करनी है तो 5 से 6 माह लगेंगे, मैं आपको साफ बता रही हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो ना थोड़ा आपके चेहरे पे ग्लो आ जाए, स्किन आपकी खूबसूरत रहे, तो उसके लिए आप इसे लगाते रहो, ठीक है? 2 से 3 माह लगाओ, बहुत खूबसूरत सी स्किन हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाइटनिंग चाह रहे हो तो 5 से 6 माह लगेंगे, और 5 से 6 माह आप देख लीजिएगा, अगर आप तो अफोर्ड कर सकते हो ये क्रीम तो आप ले आओ, आप इसे इस्तेमाल करो, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अगर होता है स्किन ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रेड हो गई स्किन या पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होगी, ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्रीम अच्छी है, लेकिन रंग को गोरा करने के लिए ये यूज़ नहीं आप कर सकते। हाँ, स्किन पर ग्लो लाने के लिए आप ज़रूर इसे यूज़ करें, वो 1 से 2 माह आप कर लें, अच्छा ग्लो आ जाएगा, स्किन आपकी चमक जाएगी, स्किन पर बहुत ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी। और 5 से 6 माह भी लगाने के बाद पता नहीं रंग गोरा होगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बस मैंने देखा कि थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट है, तो शायद आप लगाते रहो तो रिज़ल्ट मिल ही जाए, लेकिन मेरे ख्याल में रंग गोरा करने के लिए ये क्रीम नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस क्रीम का कितना रिज़ल्ट है। चलिए, आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।